दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बाड़ीघर में देखे शराब की होम डिलीवरी छोड़ने पर सरकार 1 लाख रुपए देगी। 4 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेजने के बाद नीतीश कुमार की बम्पर स्कीम। यहाँ देखिए बिहार में जो कोई शराब की होम डिलीवरी कर रहा है तो नीतीश ने उनके लिए बम्पर स्कीम का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शराब बेचने का काम छोड़ने वाले को राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी। साथ ही देखिए सिर्फ शराब बेचने वाला ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों के लिए भी ये स्कीम चलेगी। अगर वे ताड़ी के बजाय नीरा बनाएंगे तो सरकार उन्हें भी 1 लाख रुपए देगी। नीतीश कुमार ने ये ऐलान तब किया जब राज्य सरकार बिहार के 4 लाख से ज्यादा लोगों को शराब पीने और बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल नीतीश सरकार ने कल नशा मुक्ति दिवस मनाया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बम्पर स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब के मामलों में पकड़ा तो बहुत आदमी रहा है लेकिन या तो पीने वाला पकड़ा रहा या फिर शराब बेचने वाला गरीब गुरबा असली लोग पकड़ा नहीं रहे हैं, कुछ ही पकड़ा रहे हैं। मैंने पुलिस वालों और उत्पाद विभाग को कह दिया कि अब असली धंधेबाज को पकड़िए, जो असली गड़बड़ी करता है उसे जेल भेजिए। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपनी नई योजना बनाने जा रहे हैं, जो कोई ताड़ी या शराब बेच रहे हैं उनके लिए सरकार नया स्कीम ला रही है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में ईंट गिट्टी और सीमेंट 20% तक हुए महंगे। सरिया बालू सस्ता, फ्लाई एस ईंट की कीमत भी बढ़ी। जहाँ देखिए भवन निर्माण सामग्रियों के भाव में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इसका असर मकानों सहित अन्य कंस्ट्रक्शन काम में पड़ रहा है। लागत बढ़ती जा रही है। पिछले 2 माह में ईंट गिट्टी सीमेंट के भाव में 15 से 20% तक की तेजी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 2 माह पहले ईंट जहां 16,000 से 18,000 रुपए में मिल रही थी, इस वक्त इसका भाव 18,000 से 20,000 रुपए के बीच चल रहा है। इसी तरह गिट्टी की कीमत भी बढ़कर 9,000 से 9,500 रुपए से बढ़कर 11,000 से 12,000 रुपए हो गई है। साथ ही देखिए सीमेंट के दाम में 1 माह के अंदर 20 से 30% तक की बोरी बढ़ गई है। जो सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी में बिक रही थी उसका कीमत अब 430 रुपए तक हो गई है। वही दूसरी तरफ राहत वाली बात यह है कि सरिया और बालू की कीमत में 20% तक कमी आई है। बालू की कीमत में 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में सड़क पर कचरा फेंका तो खैर नहीं, ढोल बजाकर किन्नर समाज को बताएंगे आपके करतूत। राजधानी से शुरुआत। जहाँ देखिए बिहार के राजधानी पटना में सड़क पर या घर से बाहर किसी भी जगह पर कूड़ा फेंकने वालों को नगर निगम अपने अनोखे अंदाज में सबक सिखाएगा। निगम ने वैसे लोगों की पहचान शुरू कर दी है जो अपने घर का कूड़ा कचरा वाहन में नहीं रख कर घर के बाहर फेंक रहे हैं। जो लोग सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं ऐसे लोगों के कारण निगम क्षेत्र में अब भी कूड़ा पॉइंट बना हुआ है। ऐसे लोगों के घर पर नगर निगम ढोल नगाड़ा बजाकर पूरे मोहल्ले में उनका परिचय कराएगा। इस मौके पर किन्नर समाज के लोग भी उपस्थित रहेंगे जो वैसे लोगों को सबके सामने बताएंगे कि घर की सफाई के साथ साथ आसपास भी सफाई रखें। पहले चरण में 19 वार्ड में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इन वार्डों का चयन कर लिया गया है। गंदगी फैलाने वालों के घर दुकान पर स्टिकर भी लगेगा। नगर आयुक्त निमेश कुमार परासर ने बताया कि दिसंबर में यह कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। बाड़ीघर में देखिए देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हुआ दरभंगा। पटना समेत इन जिलों का हाल भी ठीक नहीं। जहाँ देखिए राज्य में प्रदूषण की मार लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण दरभंगा में रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा में एयर क्वालिटी सूचकांक 424 रिकॉर्ड किया गया है जबकि दिल्ली में 303 दर्ज किया गया है। इसी तरह दरभंगा के अलावा सिवान में 401, छपरा में 342, बक्सर में 386, पटना में 337, मुजफ्फरपुर में 301, समस्तीपुर में 337, सहरसा में 325, भागलपुर में 324, कटिहार में 370, पूर्णिया में 369 और बिहार शरीफ में 332 एक्यूआर रिकॉर्ड किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के मौसम की वजह से प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। वातावरण में बड़ी नमी एवं धूलकण ने एक लेयर बना दिया है। नमी के कारण ही वातावरण में धूलकण फैल नहीं पा रहा है। इस कारण वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर होगी नियुक्ति, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां देखिए बड़ी खबर है, बिहार के पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। जनवरी महीने में पुलिस में विभिन्न स्तरों के 10,000 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के समय कहा था कि बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर 160-170 पुलिस होनी चाहिए। ऐसे में राज्य में करीब 44,000 और पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी।
वहीं देखिए मुख्यमंत्री के इस टास्क पर अमल करते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसकी जानकारी होने के बाद रोस्टर क्लियरेंस कराकर नई नियुक्तियों के लिए अधिसूचना भेजी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नए साल की शुरुआत में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही और बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा दारोगा के पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। बाढ़ खबर में देखिए बिहार में बर्फीली हवा से दो दिन में और बढ़ेगी ठंड। पटना समेत कई जिलों में लुढ़ का पारा। जहाँ देखिए पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और उत्तर पछवा हवा की सुबह में बनी मजबूती की वजह से दो से तीन दिनों में सुबह में ठंड में और वृद्धि होगी। मौसमविदों के अनुसार दो से तीन दिनों के बाद सर्द हवाओं के कारण पारे में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। साथ ही देखिए कहीं कहीं तापमान में यह गिरावट 4 डिग्री तक संभव है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही नवम्बर के अंत में ठंड में वृद्धि का पूर्वानुमान किया था। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब शिक्षकों का हर माह तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। जब देखिए राज्य में शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड हर महीने तैयार होगा। इसमें उनके विद्यालय आने जाने का लेखा जोखा रहेगा। इसी आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। वहीं देखिए अपर मुख्य सचिव ने इसमें स्पष्ट किया कि अब किसी सूरत में शिक्षकों की सुस्ती नहीं चलेगी। बगैर सूचना से स्कूल से गायब रहना स्वीकार नहीं होगा। वे पहले ही ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर चुके हैं। अब इसे और विस्तार देते हुए शिक्षकों की रिपोर्ट हर महीने तैयार करने को कहा है। विभाग ने शिक्षकों की मॉनिटरिंग 2 स्तरों पर निर्धारित की है। स्वस्थ शिक्षकों के विद्यालय आने को लेकर जिला स्तर पर हर महीने मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनेगी। इसी दौरान प्रारंभिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। वहीं स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर भी स्थायी रूप से वेतन काटने की अनुशंसा करेंगे। देखिए पटना से रांची अब बस इतने घंटे में होगा तय। नया रूट बनकर तैयार। 64 किलोमीटर सफर बेहद रोमांचक। देखिए पटना से रांची जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ये दूरी कम हो जाएगी। 11 घंटे में रांची पहुंचा जा सकता है। पटना से रांची के लिए नया रेल रूट बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि वाया बरका काना हजारीबाग कोडरमा इसी नई रेल लाइन के जरिए पटना रांची के बीच की दूरी 13 घंटे की जगह 11 घंटे में तय हो सकेगी। वहीं पटना रांची के बीच चलने वाली ट्रेनों को अब गोमो और पश्चिम बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा। वहीं बरका काना से सीधे ही हजारीबाग कोडरमा होते हुए ट्रेनें पटना निकल जाएगी। आपको बता दें कि नवनिर्मित सिद्धवार शाह के रेलखंड पर 18 नवंबर को सफलतापूर्वक इंजन का ट्रायल रन किया जा चुका है। इस नए रेल रोड पर उद्घाटन जल्द होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस रेलखंड में 4 टनल 32 मोड़ और 5 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में रांची रेलखंड के DRM प्रदीप गुप्ता ने बताया कि फिलहाल रांची मोरी बरका काना रोड पर जो ट्रेनें चल रही है उन्हें कुल 118 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। नई लाइन रांची बरका काना की दूरी महज 75 किलोमीटर ही रह जाएगी। बाड़ी खबर में देखिए पटना में जनवरी से चलेगी CNG वाली 25 ऐसी बसें। न्यूनतम किराया 10 रुपया यानी किन रूटों का हुआ चयन। जहाँ देखिए पटना के लोग अब CNG ऐसी बसों में सफर करेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 25 नए CNG बसों की खरीद की है। अभी इन बसों के पंजीयन और परमिट की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी तक इन बसों के परिचालन की उम्मीद की जा रही है। इन CNG ऐसी बसों में कुल 32 सीटें होगी और 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहीं महिला यात्री नहीं होने की स्थिति में इन सीटों पर पुरुष बैठ पाएंगे। साथ ही देखिए परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार CNG ऐसी बसों का किराया काफी कम रखा जा रहा है। इस बस का न्यूनतम किराया 10 रुपया रखा जा रहा है। वहीं देखिए सबसे कम किराया गांधी मैदान से पटना जंक्शन के बीच रखा गया है। इतनी दूरी तय करने पर यात्रियों को महज 11 रुपये का टिकट लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि नॉन ऐसी बसों की तुलना में इन ऐसी बसों से सफर करने पर लोगों को 7 से 10 रुपये तक अधिक खर्च करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इन CNG ऐसी बसों का परिचालन कारगिल चौक से पटना साहिब स्टेशन से फुलवाड़ी एम्स एयरपोर्ट से गांधी मैदान दानापुर से बाईपास और बिहार शरीफ और हाजीपुर तक चलेगी। में देखिए पटना के लोगों को अगले माह से मिलेगी 5G की सुविधा। अन्य जिलों में 2023 तक होगी शुरू। जी देखिए बड़ी खबर है पटना में 5G सर्विस दिसंबर के अंत में शुरू होगी। वही नए साल में गया मुजफ्फरपुर भागलपुर और पूर्णिया में सेवा शुरू होगी। रिलायंस जियो इसकी तैयारी कर रही है जबकि एयरटेल का फोकस पटना पर है। वही देखिए इसी आधार पर मोबाइल ऑपरेटर तैयारी में जुटे हैं। इसके बाद दरभंगा सिवान बेगूसराय गोपालगंज सासाराम मुंगेर का नंबर आएगा। हालांकि 2023 तक सूबे के सभी शहरों में 5G की सेवा पूरी तरह से चालू हो जाएगी। वहीं देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग और ऑपरेटर्स को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। कंपनी के सूत्रों की माने तो दिसंबर अंत तक पटना जिले में 5G नेटवर्क के सिग्नल मिलने लगेंगे। साथ ही देखिए सूबे में 5G सर्विस लॉन्चिंग के बाद जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 GBPS तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी।
खबर में देखिए, बिहार में दिसंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, इन रूटों पर चलाने की है तैयारी। जहाँ देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। बिहार को जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकता है। विभाग इसकी तैयारी कर रही है। दिसंबर तक अगले वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर आने की संभावना है। हालांकि नए वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर अभी तक मंत्रालय की ओर से फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार दो वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जल्दी शुरू हो सकता है। ICF चेन्नई में दो वंदे भारत एक्सप्रेस का तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेन दो राज्यों को मिल सकता है, इसमें बिहार और तेलंगाना शामिल है। इन दोनों राज्यों को अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिला है। वही मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों के उन रूटों पर चलाया जाएगा जिन पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। वही मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर और पटना रोड पर इसे चलाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सबसे बड़ी खास बात इस ट्रेन में यह है कि केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। साथ ही यह अन्य ट्रेनों की अपेक्षा काफी हल्की है। यह पूरी तरह से AC है जिसमें स्वचालित दरवाजे लगे हैं। इसके अलावा इसमें सीट को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। खबर में देखिए, पटना में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के चलने पर लगेगी रोक, प्रदूषण से निपटने के लिए ये DM का प्लान। जी देखिए, पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को सघन जांच अभियान चलाकर वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही देखिए, उन्होंने कहा कि 15 साल से अधिक व्यावसायिक और अन्य सभी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाए। साथ ही DM ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को सभी वाहन उत्सर्जन जांच केंद्रों को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है ताकि बच्चों के माध्यम से समाज में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता प्रसारित की जा सके। वही DM ने प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए जनवरी तक पटाखा नहीं छोड़ने की अपील की है। बड़ी खबर में देखिए, मार्च 2023 तक हर पंचायत के 4 वार्डों में लग जाएगी सोलर लाइट। जी हां देखिए, अगले साल मार्च 2023 तक सुबह के सभी पंचायतों के 4-4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के तहत इस अवधि तक 32,000 सोलर लाइट लगा दी जाएगी। सोमवार को अंतर विभागीय बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक सोलर लाइट से रोशन कर देगी। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में इस योजना के लिए राशि निर्गत कर दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10-10 सोलर लाइट मार्च 2024 तक सुबह के सभी वार्डों में लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं 20 वार्ड की सोलर लाइट बिजली के पोल पर लगाई जाएगी। वहीं 2024 तक 32,000 वार्डों में सोलर लाइट लगा देगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।